हेलो गाइस, सभी भाइयों को दिल से राम राम। आज काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। आज का ब्लॉग रहने वाला है ऑटोमेटिक गाड़ी के ऊपर। जिस भी भाई ने मैनुअल गाड़ी चलाई होगी या चलाते होंगे, अगर उनका ये थोड़ा डाउट रहता है, उनको ऑटोमेटिक कार चलानी होती है तो उन काफ़ी फीचर काफ़ी फंक्शन की उनको प्रॉब्लम होती है। तो आज आपके इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने के ऊपर। आइए चलते हैं, दिखलाते हैं पूरी वीडियो। आप पूरी वीडियो में एंड तक बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी भाइयों का सपोर्ट मेरे पे रहेगा तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। काफ़ी टाइम से मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा था। उसलिए मेरे दिल में थोड़ा अनबन सी हो रही थी कि पता नहीं हो पाएगा मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, बट अब मैंने ये सोचना छोड़ दिया। सभी भाइयों की मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बस, उस और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। गाइस, ये अपनी क्रेटा है, ये हमारे पे ऑटोमेटिक कार की है। अगर हम इसको अनलॉक पे करते हैं तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। अभी वैसे लॉक है गाड़ी। अगर हम इसको बिना दबाए, अगर अपने हाथ में की पकड़ की है और अपने फिंगर से या किसी से भी टच करते हैं इस गाड़ी को, तो ये ऑटोमेटिक हो जाती है अनलॉक। आइए इसके फीचर दिखलाते हैं आपको। ये भाई अपनी क्रेटा टॉप मॉडल है, डीजल के अंदर फुल्ली ऑटोमेटिक। तो गाइस, सबसे पहले अपना गाड़ी स्टार्ट करने का रहेगा। ये भाई अपना जिस भी भाई ने मैनुअल कार चलाई है उसमें की यहाँ लगती है, बट इसमें ऑटोमेटिक कार में ऐसा नहीं होता है। इसमें पुश स्टार्ट बटन दिया होता है, ये रहा अपना पुश स्टार्ट बटन। इस वाले को अगर ब्रेक पे प्रेस करके हम ये बटन दबाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अगर हमको बस फीचर ऑन करने हैं तो हम बस एक बार इसको दबाएंगे बिना ब्रेक पे पैर लगाए हुए। इसको एक बार दबाते हैं तो हम इसके फीचर ऑन हो जाते हैं, और एक बार और दबाते हैं इग्निशन ऑन हो गया हमारी गाड़ी का, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है इसमें। हम आपको इसके फीचर चेक करवाते हैं। अगर गाड़ी हमें स्टार्ट करनी है तो हमें बस कुछ नहीं करना, पहले एक बार चलो ये बटन दबा देते हैं, गाड़ी बंद हो जाएगी। अब हमको स्टार्ट करनी है तो ये ब्रेक पैडल है और ये अपना साइड में ये दे रखा है अपना पुश स्टार्ट बटन। अब हम इसको एक बार प्रेस करेंगे ब्रेक दबा के, बस गाड़ी अपनी स्टार्ट हो चुकी है। ये अपना बिल्कुल आराम से स्टार्ट हो गई है गाड़ी। अब इसके फीचर दिखलाते हैं। अगर किसी जिस गाड़ी में अगर आपने मैनुअल गाड़ी चलाई है उसमें हैंड ब्रेक होती है यहाँ पर, बट इसमें देखो हैंड ब्रेक है ही नहीं। अब सभी भाइयों के मन में डाउट होगा कि इसमें हैंड ब्रेक है नहीं तो हैंड ब्रेक कैसे लगाएं, बट भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई बैठा है ना यहाँ बताने के लिए। भाई इसमें ये एक बटन दे रखा है पी वाला, ये अपनी ऑटोमेटिक पार्किंग है। अगर इसको हमें पार्किंग लगानी होती है तो एक बार प्रेस ऊपर कर दो, ये देखो मीटर में आ जाएगी ये बटन। हम ऊपर करेंगे ये मीटर में, ये लग गई हमारी ये पार्किंग हैंड ब्रेक। अगर इसको और मैनुअल हैंड ब्रेक होती है उसमें तो एक बार बटन दबा के वो डाउन कर दो तो हैंड ब्रेक रिलीज हो जाती है, बट इसमें है कि ब्रेक पैडल पे पैर रख के प्रेस करके इसको एक बार डाउन करेंगे तो हैंड ब्रेक अपनी हो गई रिलीज। ये अपना एक नॉर्मल सा फीचर होता है इसके अंदर। और बाकी हम बात करें, ये ड्राइव के लिए है, ये पी हो गया अपना पार्किंग, आर हो गया अपना रिवर्स, ये देख सकते हैं आप, एन हो गया अपना न्यूट्रल, डी फॉर ड्राइव, और एस से अपना मैनुअल हो गया। ये आर करते हैं एक बार बटन दबा के तो पार्किंग ये अपना रिवर्स में आ गई है गाड़ी, ये देख सकते हैं आप। अगर इसको एन पे लगा देंगे तो ये अपनी हो गई न्यूट्रल बिल्कुल गाड़ी, और अपना डी पे कर देंगे तो डी फॉर ड्राइव, इससे हम गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखो आगे बढ़ गई गाड़ी। अब इसको थोड़ा बैक करेंगे डी पे। और अगर किसी को मैनुअल गाड़ी चलानी है, गियर इसमें देखो गियर तो है नहीं ऑटोमेटिक गाड़ी, अगर उसको जब भी गियर से गाड़ी चलानी है उसको मजा आता है तो इसको करेंगे हम एक बार करके शिफ्ट एस पे, यहाँ पर एस पे शिफ्ट कर दिया, उसके बाद हम गियर के हिसाब से गाड़ी चला सकते हैं। ये अपना माइनस है तो इससे गियर उतरेंगे, और ये अपना प्लस है, ये आप देख सकते हैं साइन प्लस का, इसको एक बार शिफ्ट ऊपर करेंगे तो इससे गियर लगेंगे। एक बार दबाएंगे तो पहला गियर, दूसरी बार दबाएंगे तो दूसरा गियर, तीसरी बार दबाएंगे तीसरा गियर। उतारना है तो अपना माइनस पे कर सकते हैं आप इजिली इसको, अगर हटाने के लिए। फिर एक बार ये इसके नीचे एक बटन होता है ये वाला, अगर जिस भी ऑटोमेटिक गाड़ियों में कि बटन होगा उसके बिना ये शिफ्टिंग होगी नहीं, इस वाले बटन को प्रेस करके ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, और इसको दोबारा पी पे लगा के पार्किंग, और पार्किंग पे अब गाड़ी खड़ी करते हैं तो अपनी हैंड ब्रेक ऑन कर सकते हैं इसकी, इससे ये है अपनी हैंड ब्रेक लग गई है, आप कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं।
ये तो आपका हो गया एक फीचर। उसके बाद अपना होता है एसी में एसी कंट्रोल वगैरह, ये तो आपको वैसे अधिकतर गाड़ियों को सबको पता ही होगा, ये एक बार ऑन कर दिया तो एसी अपना चालू हो जाता है। इससे यहाँ से ऑफ हो गया ये, और इसमें ये की दे रखे हैं, इससे वॉल्यूम बटन हो गया, वॉल्यूम का हो गया। ये आपको अगर आपने एफएम या कोई भी सॉन्ग्स लगा रखे हैं तो इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। ये आपका वॉल्यूम अपग्रेड हो गया, यहाँ से आप देखो ये चेंज हो गया 92.7 हो गया, यहाँ से एक बार और करेंगे तो ये चेंज हो गया। ये इसका सिंपल फॉर्मूला, यहाँ से अगर आपको यहाँ से म्यूट मोड कर दिया तो ये म्यूट हो गया, यहाँ से ऐसे दबा दिया। और किसी भी भाइयों को अगर स्पोर्ट्स मोड लगाना हो, उन्हें पता ना हो इस गाड़ी का स्पोर्ट्स मोड कहाँ है, तो ये सबसे बड़ी जानकारी रहेगी आपके पास। ये है इसका इसी में स्पोर्ट्स मोड, इसमें ड्राइविंग ट्रैक्शन है। इसको एक बार साइड में पुश करेंगे तो ये देखो आपका इको मोड लग गया, अगर दोबारा इस बटन को दोबारा एक बार और करेंगे तो आपका ये स्पोर्ट्स मोड लग गया, अगर एक बार और करेंगे तो कम्फर्ट, अगर इसको प्रेस कर देंगे ये आपका देखो ये मीटर आ गया, इसको हम लगाएंगे दोबारा कंफर्ट स्लो मोड कंफर्ट मोड पे, मीडियम सेंड ये हम लगाएंगे कंफर्म कंफर्ट मोड पे इसको। जिस भी भाई को ऑटोमेटिक गाड़ी के सनरूफ अगर चालू करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपको प्रेस करना पड़ेगा ये रहा बटन, अगर ये इसको एक बार पीछे की साइड प्रेस करेंगे तो ये आपका सनरूफ का ये खुल जाएगा कवर। फिर इसके बाद पूरा खुलने के बाद अगर आपको ये दोबारा एक बार और प्रेस करना पड़ेगा, दबा के रखना पड़ेगा इस बटन को, तो आपकी ये सनरूफ ओपन हो जाएगी। अब इसको करते हैं दोबारा डाउन, इसको दोबारा आगे की तरह दबाए रखो और ये पीछे का अपना कवर पूरा लग जाएगा, इससे ये अपनी सनरूफ हो गई बंद ये। और अगर लाइट किसी को जलानी है, एक बार प्रेस करो लाइट जल जाएगी, एक बार प्रेस करो लाइट जल जाएगी। अगर पूरी गाड़ी की लाइट चालू करनी है तो ये उस वाली दबा दो, पूरी गाड़ी की लाइट चालू हो जाती है। अगर मीटर में आपको ये अपना एवरेज आ रही है, एवरेज चेक करनी गाड़ी चला रहे हैं, एवरेज अभी हमारी क्रेटा टॉप मॉडल डीजल के अंदर दे रही है 12.5 किलोमीटर की एवरेज। ये आ गई अपना किलोमीटर, आ गया अपना एवरेज वगैरह सब नोट हो गई, और ये आ गई अपनी स्पीड। अगर हम चेक करना चाहें इसमें हम ये भी लगा सकते हैं डायरेक्शन वाइज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, अभी इसको चेंज करेंगे ड्राइव टू डिस्प्ले, और ये सब हो रहा है अपना इस बटन इन बटनों से। ठीक है, अभी इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ये कॉल उठाने का, ये कॉल काटने का, ये मोड्स हो गए अपनी गाड़ी के, और ये अपना स्पीड, इस वो जैसे आप 70 पे चल रहे हो तो ये स्पीड पे एक बार प्रेस करो तो आपकी ऑटोमेटिक उसी स्पीड पे गाड़ी चलती रहेगी। ये अपने लाइट कंट्रोल हो गए, तो ये अपने वाइपर कंट्रोल हो गए, ये अपना अर्मरेस्ट, तो गाड़ी को अगर गाड़ी अभी ये हमारी गाड़ी अभी चालू है, अगर गाड़ी को ऑफ करना है तो एक बार ब्रेक पे पैर लगाए ब्रेक पैडल प्रेस करेंगे और ये बटन प्रेस कर देंगे इग्निशन, गाड़ी ऑफ हो गई अपनी सिंपल। सभी भाइयों को दिल से राम राम, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।